तो भी आप सभी को पता है कि पिछले एक महीने से जो लाखन माजरा गांव में दिल दहला देने वाली घटना हुई थी और जो 17 साल का मासूम हिमांशु था उसकी जो डेड बॉडी है उसके जो 22 टुकड़े करके किस तरीके से डाले गए थे और 23 दिन के बाद जो है जो मुजरिम था जो आरोपी था उसका पता चला था। लेकिन भाई जो आरोपी उसका दोस्त था वो बताया जा रहा था, उसने जो पुलिस को जो स्टोरी बताई है वो परिवार वालों का कहना है कि वो सरासर एक फिल्मी स्टोरी है, उसमें कोई भी दम नहीं है। और इसी से रिलेटेड जो है पूरा लाखन माजरा गाँव ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी से मुलाकात की और इस केस से रिलेटेड कहा कि जो 17 साल का हिमांशु था उसको न्याय मिलना चाहिए और उसकी जो है जांच पड़ताल अच्छे से होनी चाहिए। पूरा गांव में मातम का माहौल था, एक 17 साल का मासूम बच्चा जो एलएलबी की तैयारी कर रहा था, जो इस देश का भविष्य बनने वाला था, वो किस तरीके से अपने ही दोस्त के हाथों चढ़ गया। क्योंकि भाई दोस्त को हम सबसे ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए, क्योंकि दोस्त फैमिली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए तो फिर क्या हो जाता है भैया, आप देख सकते हैं पूरे हरियाणा में इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को सामने आ रहा है। क्योंकि भाई नॉर्मल डेथ आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन डेथ करने के बाद उसके किस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं, 22 टुकड़े, और फिर एक एक करके टुकड़ों को अलग अलग जगह डाला जाता है। परिवार वाले बता रहे थे कि भाई एक 80 किलो का बच्चा उनको मिलता है, 3 से 4 किलो वेट जो कट्टे में डाल करके वो घूम रहे थे। उसके बाद उन्होंने रोड जाम किया, रोड जाम करने के बाद जो पुलिस ने जांच पड़ताल की, तो अभी पूरी इस केस में जो भी आगे अपडेट होती होगी वो हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं हम। 4G हरियाणा को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि समय समय पर आपको जो है वीडियो से रिलेटेड नोटिस मिलते रहें। इस समय की जो अपडेट थी गांव लाखन माजरा से, ये लाइव तस्वीरें जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे थे, आप अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स के